इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि रहसित गवर्नर जब आइन साजी या कानून साजी जो सूबाई असम्बली में होती है कानून साजी, उसका हक असम्बली के पास मौजूद है लेकिन वो तौसीक के लिए गवर्नर के पास आता है। जब बहसित गवर्नर मेरा फ़र्ज़ है कि अवाम के बेहतरीन मफाद में मैं उनका जायज़ा लूँ, उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं या इस्लाह के पहलू हैं उससे असम्बली को आगाह करूँ अपने इस फ़र्ज़ की अंजामदेही के लिए। सूबाई हुकूमत के तावन ना होते हुए इंटीरियर लॉ मिनिस्ट्री और मुतलका जो महकमों की मिनिस्ट्री हैं उनके उस तरह से तावन ना होते हुए भी हम अपने तौर पे एक एक कानून साजी का जो हमारे पास बिल आते हैं मुसवदे आते हैं कानून पहली दफ़ा पास होकर उसका हम बगौर जायज़ा लेते हैं। कई बिल ऐसे हैं जिसको मैंने इन ऑर्डर पाया अवामी मफाद के लिए बेहतर समझा तो बगैर किसी तरद्दुद के उसको पास किया। मैं समझता हूँ कि उस अवामी तासुर से यकसा मुख्तसर बात है जो बिल अमूम किया जाता है कि अगर गवर्नर दूसरी जमात का हो तो उसको हर वक्त रोड़े अटकाने चाहिए, ऐसा हमारा तर्ज अमल नहीं। अगर हमने काबीना का हल्फ भी बगैर किसी तरद्दुद के और सबका रिवायात के बरक्स फौरी तौर पर ले लिया था तो वो भी उस आइन की पासदारी के लिए था जिसके लिए हम मौजूद। और अगर वज़ीर आला का हल्फ जो है उसमें हमने उसको कंडक्ट नहीं किया था वो भी इसलिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद था कि अगर हल्फ जो है वो सदर भी ले सकते हैं तो हमने ये एजाज़ सदर को देना ज़्यादा मुनासिब समझा कि वो हासिल करें। इसमें एक दिन की भी ताखीर हमारी तरफ से या एक महीने की भी ताखीर हमारी तरफ से नहीं हुई क्योंकि मकसद सिस्टम को डिरेल करना नहीं था और काबीना का हल्फ जिसके ऊपर कोई फैसला मौजूद था ना कोई और रास्ता था कि सुबाई काबीना का कोई और ले सकता था उसको बिला ताखीर जो है फौरन खुद अंजाम दिया जबकि उस पर बहुत बड़ा अवामी प्रेशर भी था और जो सबका रिवायात गवर्नर हाउस की रहेगी माजी करीब में उसके बरक्स भी ये था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये तौफीक दी हमारी पार्टी को और मुझे कि हमने इसको ऐसे तरीके से ये काम किया। इसी तरह कानून कवानीन बहुत से आते हैं और उसमें हम तसीह के पहलू देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक कानून आया उसमें बोर्ड की तश्कील थी तो मैंने असम्बली को इस ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भेजा कि पंजाब में एक कानून मौजूद है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट, उसके तहत इस बोर्ड में कम से कम एक खातून का होना ज़रूरी है और ये कानूनी काम कब होगा। लेकिन अफसोस कि उस तजवीज़ को नहीं माना गया, उस कानून को जो कि असम्बली का इख्तियार है दोबारा उन्होंने पास करके और इस बात पर खुशी मनाई कि हमने गवर्नर की तजवीज़ को रद्द कर दिया और हमने कानून पास कर दिया। एक और कानून मेरे पास आया जिसमें एक स्टेटस ऑफ वीमेन एक्ट है उसकी चेयरपर्सन लगने के लिए लिखा हुआ था कि इसमें अखा MP1 स्केल होना लाजमी है तो उसमें एक अच्छा पहलू भी था कि उन्होंने MP1 के स्केल की जो रिक्वायरमेंट है उसको हजफ कर दिया और हुकूमत में छोड़ दिया कि जो मर्जी तनख्वाह लगे। अच्छा पहलू तो ये है कि MP1 जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10-12 लाख रुपये महीना जो है उसका पैकेज बन जाता है तो हुकूमत को अगर कोई ऐसा वॉलंटियर मिल जाए जो मुफ्त अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहे या किसी ऐसे को लगाना चाहे जो कम तनख्वाह पर भी आना चाहे तो वो ऑप्शन बेहतर मौजूद थी। लेकिन साथ ही ये खतरा भी पैदा हो गया कि कोई हुकूमत ऐसी है जो अवामी खजाने की परवाह किए बगैर उसके 50 लाख रुपये महीना या 20 लाख रुपये महीना या 1 करोड़ रुपये महीने पर भी लगाना चाहे तो मुकम्मल तौर पर वो कानून हुकूमत को इख्तियार दे रहा था कि आप MP1 को हटा के जो मर्जी करें। तो मैंने वो प्रोविंशियल असम्बली के पास वो कानून वापस भेजा और उनसे कहा कि आप इसको मुकम्मल ख़त्म करने की बजाय इसमें यह कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा MP1 दी जा सके ताकि सूबाई हुकूमत को इख्तियार मिल जाए। लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने भी उसको उस तरह से उजागर नहीं किया और हुकूमत के ऊपर भी कोई दबाव नहीं था, उन्होंने एज सच पुराने कानून को ही दोबारा उसको हजम करके और उसको पास कर लिया जो उनका एक इख्तियार है असम्बली में। लेकिन हम उससे हौसला शिकनी हमारी नहीं हुई। बहुत से कवानीन एक लंबी डिटेल है इतना वक्त नहीं है मैं आपसे शेयर करूँ, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ फुल स्टॉप कॉमा और गलत अंग्रेजी से लेके अहम कानूनी और नुकात तक हम उसको उठा रहे हैं क्योंकि हम बारीक बीनी से एक एक कानून को देख रहे हैं। एक कानून फॉरेस्ट के बारे में, उसके बारे में ये कहा गया कि फॉरेस्ट जो है
उसमें अगर कोई पेनल्टी जंगलात के काटने पे कोई शख्स पेनल्टी पे करने से जुर्माना पे करने से इनकार करता है तो उस पर मजीद जुर्माना लगाया जा सकता है। अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि इफ समवन रिफ्यूजेस टू पे फाइन देन एनी एडिशनल फाइन कैन बी इंपोज्ड। तो उसमें हमने उनसे कहा कि कानूनी जुबान में इनकार करना या रिफ्यूजेस टू पे करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स जाके कहेगा कि मैंने इनकार तो कभी नहीं किया, तो पे नहीं किया, लेकिन उसको कानून कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि आप और आप पे बात आ जाएगी, आप साबित करें इसने इनकार कर दिया। तो आप इसमें ये लिखें कि समन फेल्स टू पे द फाइन, तब उसको जो है इस तरह होना चाहिए, या उर्दू में उसका तर्जुमा ये बनेगा, अगर कोई शख्स अदा ना कर सके जुर्माना तब उस पर इजाफी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बहरहाल उसको भी कबूल नहीं किया सूबाई असम्बली में, जिस तरह से कानून साजी हो रही है उस पर भी बहुत से पेशाब हैं वहाँ पे, कोरम पूरा नहीं होता, ये कभी भी नहीं हुआ था कि कोरम पॉइंट आउट हो काउंट ना किया जाए। मुझे काउंटलेस रिपोर्ट्स मिली हैं और उसमें बताया गया है कि कोरम के ऊपर निशानदेही होती है, बताया जाता है, लेकिन उसका नोटिस नहीं लिया जाता और कार्रवाई चलती रहती है। मुझे अपनी पार्लिमानी तारीख में चाहे 10 साल मैं खुद असम्बली में रहा हूँ, चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता मेरा ताल्लुक असम्बलियों से रहा है, मुझे नहीं याद अहम तरीन कानून साजी असम्बली में हो रही होती है, कहीं पीछे से एक हल्की सी आवाज कानों में भिनक पड़ती है, आवाज आपकी कोरम, स्पीकर हर काम अपना कर देता है और कहता है कि कोरम की निशानदेही हो गई, पॉइंट आउट किया गया तो स्टॉप द प्रोसीडिंग, कोरम को किया जाए या उसको काउंट भी मेड, फौरन इंस्ट्रक्शन आती है। तो ये एक अजीब मामला है कि ट्रेजरी बेंचेस भी पूरी तादाद में मौजूद नहीं और कानून साजी जारी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए और हमने जितने भी बिल वापस किए हैं हर किसी के साथ रीजनिंग के साथ भेजे। अगर एक बोर्ड बनाने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को दिया जा रहा है तो हमने उसमें ये लिखा है कि बेहतर है कि आप चीफ मिनिस्टर की बजाय कैबिनेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इख्तियार होना चाहिए। कैबिनेट भी चीफ मिनिस्टर की अपनी सिलेक्टेड होती है, अपनी हुकूमत है, लेकिन जब कैबिनेट में चीज़ें आती हैं तो चीज़ें वजाहत के साथ सही फैसले हो जाते हैं, बेहतर फैसले हो जाते हैं, हमेशा कलेक्टिव विजडम में चीज़ें बेहतर होती हैं। तो आईन में कानून में जो भी ऑप्शंस हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही शामिल की जाती हैं, और अगर कोई चीज़ भी ऐसी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।